दल खालसा चंद्रपंथी की तरफ से सब निर्मय के हक विषय पर कन्वेंशन करवाई गई, जिसमें दल खालसा ने भारत सरकार द्वारा अपनाए जा रहे नकारात्मक रवैये को चुनौती दी। समागम में ताओं ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा मंजूर सब निर्णय के हक हासिल करने के लिए एकजुट होने की भी अपील की। समागम में दल खालसा के प्रधान हरपाल सिंह छीमा, प्रवक्ता कंवरपाल सिंह बिट्टू, प्रोफेसर एस ए आर गिलानी, हरचरणजीत सिंह धामी, जसपाल सिंह मजपूर, बलदेव सिंह सिरसा, गुरदीप सिंह कालकट, अवतार सिंह जलालबाद, परमजीत सिंह मंड, परमजीत सिंह टांडा आदि ने संबोधित कर विचार विमर्श किया। अनफॉर्चुनेटली इंडिया जो एक क्लेम करता है कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन अर्थ है, वो लोगों के इस बेसिक राइट को, बेसिक डेमोक्रेटिक राइट को डिनाई कर रहा है। कश्मीर के बारे में आप जानते हैं कि कश्मीर का मुद्दा हिंदुस्तान ही यूनाइटेड नेशंस में लेकर गया और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने जो रेजोल्यूशंस पास किए हैं उसमें कश्मीरियों के लिए राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन को गारंटी किया है और उसको, उस पर इंडिया और पाकिस्तान दोनों के सिग्नेचर्स भी हैं। उन्होंने इसको माना है और ये कबूल किया है कि राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन कश्मीरी आवाम को दिया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 70 साल से कंटिन्यूसली इसको डिनाई किया जा रहा है और इस राइट के को हासिल करने के लिए जो मूवमेंट है उसको क्रश किया जा रहा है, ब्रूटली क्रश किया जा रहा है। और कश्मीर में लाखों की तादाद में लोगों को मारा गया है, शहीद कर दिया गया है। आप देख रहे हैं कि कल शुपियान में निहत्ते दो नौजवानों को मारा गया, उसमें बहुत सारे कई लोग जो हैं जख्मी हैं, उनमें से कुछ एक जवान नौजवान तो बिल्कुल मौत और जिंदगी कश्मकश में है, पता नहीं अभी जिंदा होगा कि उसकी भी मौत होगी। तो ये जो सिलसिला रोज का वहाँ चल रहा है इसको बंद करने की ज़रूरत है। और आप ये समझते हैं कि देखिए जो बात कर रहे हैं कि तरक्की की, डेवलपमेंट की, तरक्की और डेवलपमेंट किसी इलाके में, किसी खित्ते में तभी होती है जब वहाँ अमन शांति हो, और अमन शांति तभी पैदा होता है जब लोगों को उनके राइट्स दिए जाएं, चाहे वो पॉलिटिकल राइट हों, वो सोशल राइट्स हों, वो इकोनॉमिक राइट्स हों। जब तक लोगों को उनके राइट्स नहीं दिए जाते तब तक अमन और शांति नहीं आती। अमन और शांति यूं ही कोई हवा में नहीं आते हैं। अमन और शांति के लिए कुछ बुनियादी चीज़ें हैं कि वहाँ जो सोसाइटी है उसके साथ जस्टिस किया जाए, लोग जो हैं उनको इंसाफ दिया जाए, लोगों के राइट्स को उनको दिया जाए। जब तक ऐसा नहीं होता, आप देखें पिछले इतने 70 साल से इस खित्ते में अमन शांति नहीं हो पाई, और सबसे बड़ी बाधा जो अमन शांति में है वो कश्मीर का मुद्दा है। कश्मीर के मुद्दे को जब तक हल नहीं किया जाएगा अमन शांति नहीं हो सकती और डेवलपमेंट नहीं हो सकती। कश्मीर का मुद्दा हल होना सिर्फ कश्मीरी लोगों के लिए नहीं, भारत के लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है और उनके लिए भी मुफीद है। सिक्योरिटी के नाम पर जो अरबों खरबों रुपया खर्च किया जा रहा है उसको आप डाइवर्ट कर सकते हैं यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोगों की उस फलाह के लिए, उनकी बहबूद के लिए, उनकी उनकी तरक्की के लिए। आप देख रहे हैं कि दिल्ली जैसे शहर में भी लोगों को, बहुत सारे लोगों को बेसिक एमिनिटीज उनको मैसर नहीं है। वो बेसिक उनको मतलब पीने का पानी तक, जो शुद्ध पीने का पानी हो वो भी नहीं मिल रहा है। और उसके बरक्स आप सियाचिन जैसी जगह पर जहाँ पर आप कोई एक तिनका भी नहीं उगा सकते हैं, वहाँ पर जो है करोड़ों अरबों रुपये खर्च कर रहे हैं सिक्योरिटी के नाम पर। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये मुझे लगता है कश्मीर के मुद्दे का सबसे बड़ा मामला ये है कि ये सरकारें अपने लोगों से, यहाँ के भारत के लोगों से उसकी असलियत को छुपाती रही, उनको झूठ बोलती रही पिछले 70 साल में। सच ये है कि अगर ये मसला हल हो जाए तो भारत के लोगों के लिए उसको सबसे बड़ा फायदा है, भारत पाकिस्तान इस पूरे खित्ते के लोगों के लिए फायदा होगा, इस खित्ते में अमन होगा, भाईचारा हो पैदा हो सकता है और फिर ये खित्ता तरक्की कर सकता है। जब तक ये मसला उलझा हुआ है खून खराबा होता रहेगा, परेशानियां होती रहेंगी और खित्ता जो है पीछे रहेगा। पंजाब, और देखिए पंजाब में भी लोग जो है सेल्फ डिटरमिनेशन की मांग कर रहे हैं। फ़र्क यह है कि कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशंस उसको यूनाइटेड नेशंस के लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर उसको मान लिया गया है, उसको वो राइट दिया गया है,
खुद ही कश्मीर पंजाब में अभी वो मुद्दा जो है यूनाइटेड नेशंस लेकर नहीं गए, जबकि कश्मीर में खुद भारत लेकर गया है कश्मीर का मुद्दा, और उनका वो जो है राइट वो रिकॉग्नाइज है, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज। जो ये सेल्फ डिटरमिनेशन देते दल खालसा ने कन्वेंशन कराई सी कि पंजाब के लोग भी चाहते हैं कि सानू स्वैर निर्णय का हक है जिहड़ा दिता जाए, और ये इस कन्वेंशन दे विच जिस तरीके नाल जो इंटरनेशनल तौर दे उत्ते साडी रेकोगनीशन बनती है वो असी उहदी मंग करते हैं, और जिस तरीके नाल साडा कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर साडे नाल धक्के ते बेइंसाफियां हो रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर सानू गुलाम बनाया गया, असी इस गल की मंग करते हैं कि सानू आजाद किया जाए इस खिते चों। डिमांड नहीं, असी इस गल की मंग रखते हैं कि सानू सैल्फ डिटरमीनेशन का राइट दिता जाए, और असी उस राइट दे राही असी आजादी चाहते नहीं। कैनेडा के लोगों ने उन्होंने ऑलरेडी इस गल का दिता होया, असी चाहना भी कॉन्स्टिट्यूशन सानू भी जो राइट कैनेडा ने क्यूबक नूं दिता उही राइट हिंदुस्तान सानू दे, और 10-15 होर मुल्कां ने राइट अपने पीपल नूं दिता। इंडियन इंडिया अपने आप नूं सब तो वड्डी डेमोक्रेसी कहिंदा है, वह सानू क्यों नहीं यह राइट दिंदा है पंजाब के लोगों को, जदों की यह फंडामेंटल राइट है। असी लोगों के अवेयरनैस लिया यही गल की कन्वेंशन कर रहे हैं कि असी लोगों के लोगों को दस रहे हैं कि स्वैर निर्णय का हक क्यों सानू चाहिए है, और किहड़े-किहड़े साडे राइट है जिहड़े कि कल्चरल साडे रिलीजियस सोशल राइट है जिहड़े वो खत्म किए हैं इन्होंने हिंदुस्तान ने, और जिहड़े असी आप अपने बनाने चाहते हैं, असी आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना। देखो क्यों नहीं उठा रोज़ हाले हुण तां जाके तुहाडा राजमंत्री जिहड़ा किरण रिजिजू आ उत्थे गया, और उत्थे जाके इन्होंने आप पिछले 26 जनवरी के उत्ते इंडिया ने उत्थे बंदे भेज के मतलब जिहड़ा साडा प्रोटेस्ट असी करदे आ इन्होंने अपना उत्थे तिरंगे झंडे लाया। ये जिहड़ी जिन्नी इहदे विच हिंदुस्तान दे विच ये गल दे विच विरोध भाषा हो रही है, और बाहर इंटरनेशनल लैवल के तौर के उत्ते कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल साडा मुद्दा इंटरनेशनली हैगा, लोग इस गल नूं जानते हैं इस गल नूं कि पंजाब दे विच पिछले 30 सालों तो बेइंसाफियां हुई ने, नौजवान मरे ने, फेक इनकाउंटर्स होए ने, इलीगल डिटेंशन हुई ने, साडा पानी लुट्टिया जा रहा, साडा जो नैचुरल रिसोर्स साडे लुट्टे जा रहे हैं, साडे रिलीजियस तौर के उत्ते सानूं प्रॉब्लम है, सोशल तौर पर सानूं प्रॉब्लम है इत्थे।